वही खबर जयपुर से, जहां सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के 11 करोड़ के ग्रीन कॉरिडोर विकास का परिवहन मंत्री खाचरियावास ने शास्त्री नगर में शुभारंभ किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज वार्ड नंबर 35 के पीपल फैक्ट्री पर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 11 करोड़ के ग्रीन कॉरिडोर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। खाचरियावास ने कहा कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 11 करोड़ खर्च करके राज्य सरकार सड़क, फुटपाथ और पार्कों में विकास करेगी। इस दौरान ग्रीन कॉरिडोर के तहत सभी जगह मुख्य सड़कों पर पेड़ लगाए जाएंगे, ग्रीनरी सभी जगह विकसित की जाएगी। वार्ड नंबर 35 के स्थानीय पार्षद मनोज मुदगल ने बताया कि 2,70,00,000 रुपए खर्च करके पीतल फैक्ट्री से पानी की टंकी शास्त्री नगर एवं कावटिया सर्कल से पानी पेच तक यह रोड निर्मित होगी। रोड के दोनों तरफ ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री खाचरियावास ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना संकट के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार खुद सड़कों पर जनता के साथ काम करेगी, तभी विकास कार्यों का लाभ लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। खाचरियावास ने लोगों से अपील की कि सड़कें बने, अच्छा विकास हो, इसके लिए जरूरी है लोग सतर्क रहें। यदि सड़कों की क्वालिटी में कमी हो, विकास कार्य में कोई भी कमी हो तो तुरंत शिकायत करें, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे। इस अवसर पर 52 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। युवाओं ने सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि मंत्री खाचरियावास के साथ उनके उत्कृष्ट कार्य एवं जनसेवा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ मेयर मुनीश गुज्जर, स्थानीय पार्षद मनोज मुदगल, उमेश शर्मा, विजेंद्र तिवारी, अजरुद्दीन कांग्रेस प्रत्याशी, आलोक पारिक वार्ड अध्यक्ष कौशल अत्री समेत कई स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। नहीं लड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, 13 साल प्रधानमंत्री रहे तो 13 साल जेल में रहे। नेहरू जी के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे रोज बोलते थे, लेकिन उन्होंने उनको बुलाकर अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बुलाकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मंत्री बनाया तो उनकी सोच थी भारत मजबूत होना चाहिए, भारत को ताकत मिलनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया और बोला आप संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर भाषण दीजिए क्योंकि आप अच्छा बोलते। अटल बिहारी जी ने इंदिरा जी के लिए कहा ये इंदिरा नहीं दुर्गा है, मैं इसको साष्टांग प्रणाम करता हूं, जब उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। इस देश में ऐसी परंपरा रही है एक दूसरे के सम्मान की। आज यदि मेरी सरकार गलती करेगी, मैं गलती करूंगा तो मेरे से लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे उनका गुस्सा सुनकर काम करने की जरूरत है। आज उल्टा हो रहा है, पेट्रोल डीजल में आग लग रही है। 2014 में मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूं मंत्री पद से। 2014 में शायद 70 या 68 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल थे, क्रूड ऑयल के दाम $132 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में थे, $130 प्रति बैरल। आज क्रूड ऑयल के दाम $63 प्रति बैरल है, कितना? $63 प्रति बैरल। तब क्रूड ऑयल महंगा था, 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लोग विरोध करते थे, बीजेपी के लोग, उनका हक था क्योंकि सरकार हमारी थी। आप आए सरकार में नारा देकर, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई। आज 2021 चल रहा है, क्रूड ऑयल के दाम $63 प्रति बैरल है, तब $132 प्रति बैरल थे, आज 100 का आंकड़ा पार कर गया पेट्रोल और डीजल। भाई साहब कुछ करके दिखाइए, भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए, हिंदू और मुसलमान का दंगा नहीं चाहिए, कोरोना में ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए। हिंदू और मुसलमान लड़ लेंगे तो भी कोरोना दोनों को नहीं छोड़ेगा। ना हिंदू का घर बचा है मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारा, सब जगह कोरोना ईमानदारी से आया है। हम लोग भी ईमानदारी से सेवा कर ले, और मैं देश के वोटर से कहता हूँ तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और बता दो। संकट की घड़ी में नेता का पता चलता है, संकट की घड़ी में सरकार का पता चलता है। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में, जब संकट की घड़ी में जनता की लाशों के ढेर लग रहे थे तब सरकार बीच में नहीं थी।